जिले के ग्राम छोटी ऊन की एक महिला की मौत के मामले में ग्रामीण महिलाओं ने एक बार फिर इस मामले में पुलिस की कार्यवाही को लेकर नाराजगी जताई है और लोगों ने खरगोन एसपी और निमाड़ रेंज के डीआईजी को अपना मांग पत्र सौंपा है, जिसमें निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग भी की है। कुछ दिनों पूर्व ऊन थाना अंतर्गत एक युवती की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद शुरू से ही युवती के परिजन इस मामले में पुलिस के रुख को लेकर असंतुष्ट दिखाई दिए। इसी को लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश भी जताया था। इसके बाद गुरुवार को एक बार फिर से लोगों ने असंतुष्टि जताते हुए विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान ये महिला पुरुष और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी धर्मराज मीना के सामने अपना पक्ष रखते हुए इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद ये सभी लोग निमाड़ रेंज के डीआईजी कार्यालय भी पहुंचे एवं यहाँ पर भी आवेदन देकर डीआईजी अतुल सिंह को पूरे मामले से अवगत कराया एवं न्याय दिलाने की गुहार लगाई। खरगोन ब्यूरो से दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। आप एसपी ऑफिस पहुंचे थे क्या, किस शिकायत लेकर? मेरे बहन के केस को लेकर हम आए थे। ये मेरी छोटी बहन थी ममता मंडल, इसको 4 महीने पहले राहुल वर्मा अगवा करके ले गया था और 4 महीने तक इसके साथ अवैध संबंध बंधा है, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। उसके बाद इसको उसके पूरे घर वालों ने मिल के इसका मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद में ये इसको लास्ट को हमारे घर 2 अज्ञात व्यक्ति आए, बोले तुम जाओ, तुम्हारी छोरी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। मेरे पापा और गांव के सरपंच साहब गए तो टी आई साहब को जाके बोला कि है ऐसा ऐसा केस है। टी आई साहब बोले कि हाँ ठीक है, देखते हैं 1 घंटे बाद। उसकी कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद और फिर हमारे गांव से गए लोग, जब जाके बोला कि ऐसा ऐसा मामला है, वहाँ ताला लगा है कमरे में, ताला खोल के दिखाओ। तो हाँ गए, ताला खोल के देखा, जब तक तो लाश को पूरी रफा दफा लगा दी थी। वो राहुल और उसका जीजा लाश को लेके निसरपुर गए, वहाँ से पुल के नीचे से लाश को नीचे फेंक दी। क्या किसकी गलती मानती है आप? ये तो पूरी टीआई साहब की गलती है। अगर उसी समय मेरे पापा और सरपंच साहब ये लोग गए, उसी समय अगर एक्शन ले लेते तो लाश वहीं कमरे में भी मिल जाती और लाश की इतनी दुर्दशा भी नहीं होती। लाश सही सलामत कमरे से बाहर वहीं पे मिल जाती, कमरे में मिल जाती। क्या लगता है आपको कुल मिला ये सब? पूरी पुलिस वालों की, मतलब पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तत्काल में अगर कार्रवाई करते तो वहीं का वहीं मामला, वहीं केस वो हो जाता कि क्या सही है क्या गलत है। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि ये टीआई साहब को यहाँ से रवाना करें, दूसरे अच्छे टीआई साहब आए और ये मेरी बहन को न्याय दिलाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।